तो क्राइम पेट्रोल वाली भाभी फिर एक बार लौट आई है अपना एक नया कांड वाला एपिसोड लेकर, जिसका नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। एक मूवी होने के बावजूद भी इससे एक थकेले लो बजट बी ग्रेड टीवी सीरियल जैसी वाइब आती है। एंड अगर आपकी इस मूवी से ठीक वही एक्सपेक्टेशन है तो भाई उस मामले में तो डेफिनेटली ये आपको एक मास्टरपीस लगने वाली है। एंड एक बार फिर राइटर कनिका ढिल्लों ने यह बात साबित कर दी कि उनकी राइटिंग सिर्फ उन्हीं के गले उतर सकती है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के तो बस की बात ही नहीं है उस लेवल की राइटिंग को समझकर पचा पाना। एंड इस बार तो ऐसी कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी मोहतरमा को, एज इन्होंने ठीक पहले वाले पार्ट का, जो कि अपने आप में एक एवरेज मूवी थी, उसी का टेम्पलेट यहाँ पर ठीक कॉपी पेस्ट मार दिया है, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही पता होता है कि एंड में ऊंट किस तरफ करवट लेने वाला है। इसका स्क्रीन प्ले किसी भी एक एवरेज अब्बास मस्तान की मूवी की तरह फील होता है, जहाँ पे आपके ऊपर बैक टू बैक बचकान ट्विस्ट एंड टर्न्स फेंक के मारे जाते हैं, जो कि असल में एक मिसडायरेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट अगर तुम थोड़ी सी भी अक्ल लगाओगे तो तुम देखोगे कि ऐसी मूवीज के तो टाइटल में ही इसका असली सस्पेंस छुपा होता है, जहाँ एक तरफ पहले वाले पार्ट का एग्जीक्यूशन ओवरऑल एवरेज होने के बावजूद भी उसकी एंडिंग ठीक ठाक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और एक शॉक वैल्यू देकर जाती है, वही दूसरी तरफ यहाँ पर तो मामला स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है, एज आपको ये ऑलरेडी पता है कि हसीन दिलरुबा जैसी फ्रेंचाइजी किस टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड होती है। एंड ठीक अपने पहले पार्ट की तरह ये मूवी भी लॉजिक एंड लॉ एंड ऑर्डर को अपने एल पर रखकर चलती है, मतलब कि दोनों की ही पिक्चर के अंदर कोई इज्जत नहीं है। इन ऑल ऑनेस्टी पिक्चर का फर्स्ट हाफ फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग फील होता है, बट कनिका ढिल्लों की बाकी मूवीज की तरह ये मूवी भी आगे जाकर आपको शियर डिसबिलीफ और इरिटेशन वाले गहरे समंदर में डुबाकर मार देती है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो किसी की भी एक्टिंग ऐसी कोई तोड़ू लेवल की नहीं है, स्पेशली तापसी पन्नू, जिसने सिर्फ दो एक्सप्रेशन में ही पूरी मूवी निकाल दी, जबकि पिक्चर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल इन्हीं का है। एंड उस कैरेक्टर के अंदर इतने सारे शेड्स होने के बावजूद भी पन्नू दीदी ना दूर दूर तक किसी भी एंगल से एक सेडक्ट्रेस लग रही थी और ना ही कोई चालाक लोमड़ी, स्ट्रिक्टली एवरेज परफॉर्मेंस। इसके बाद विक्रांत मेसी जैसे कैलिबर का एक्टर सर्टेनली एक बेटर स्क्रिप्ट और रोल डिजर्व करता है, एज यहाँ पर उनके लिए ज्यादा कुछ करने को था नहीं, जिसको देखकर मैं ये बोल सकूं कि ही ट्रूली शाइन। बाकी सनी कौशल को जो भी दिया गया उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उसे प्ले किया, एंड बंदे के अंदर डेफिनेटली टैलेंट है, बस एक अच्छे डायरेक्टर के हत्थे चढ़ने की देरी है। इसके अलावा जिमी शेरगिल वो स्लीप वॉकिंग इन द एंटायर मूवी, एंड यहाँ पर भी वो ठीक बिल्कुल वैसे ही लगे हैं जैसे वो आमतौर पर अपनी हर दूसरी तीसरी पिक्चर में नजर आते हैं। तो ओवरऑल फिर आई हसीन दिलरुबा एक निहायत ही फुद्दू, इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल मूवी है, जिसे देखने से बेटर है कि तुम एक न्यूज चैनल देख लो, जहां पर और कुछ नहीं तो कम से कम मसाला और एंटरटेनमेंट की तो पूरी गारंटी है। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।